यार मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि जब भी मैं उनसे घुमा फिरा के पूछता हूँ ना किसी मूवी या सीरीज के बारे में, साले सही जवाब दे देते हैं। और इस बार भी ऐसे हुआ तो यार उनके नाम है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह से अरहान एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते रहना, आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। खैर आप बात करेंगे रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन की, जो कि इस फ्रेंचाइज की 7th पार्ट है, और इस पर्टिकुलर मूवी के लिए बहुत ही बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था, और फाइनली मैंने आज इस मूवी को चेकआउट कर लिया है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 50 मिनट की हुई, आपको इंग्लिश में देखने मिल जाती है। इस मूवी की कहानी फोकस करती है जैन और उनके दोस्तों पे, जो कि माउंटेन्स पे जाते हाइकिंग के लिए। अब वहाँ जाने के बाद इनके साथ क्या कुछ होने लगता है, बेसिकली ये इस पूरी मूवी की कहानी है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये भी टिपिकल आपको वही सारी चीज़ें दिखाएगी जो हमने इससे प्रीवियस वांटन के हर एक पार्ट में देखा है, तो आप लोग पूरी तरह से गलत हो जाओगे। ये स्पॉयलर्स तो नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखोगे ये इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको ये मूवी वो रॉन्ग टंग वाला मज़ा भी देती है, साथ साथ एक अलग यूनिक चीज़ दिखाती जो आज से पहले आपने इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज में विटनेस भी नहीं किया था। और यही एक बात है जो मुझे इस मूवी को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने पर मजबूर भी की। उसके बाद इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो यार उनको इतनी अच्छी तरह से डेवलप तो नहीं किया, जो कि आपको प्रीवियस जितनी भी मूवीज थी एक ही बात है कि उनको डेवलप नहीं किया था। लेकिन जो जो सिचुएशन में वो लोग फंसते हैं वो काफ़ी खतरनाक होती है, और यहाँ पर भी आप लोगों को फील कर पाते हो। अब कितने ऐसे सीन है इस पूरी मूवी में जहाँ पर मैं वॉमिट करते करते रह गया, मतलब सोच भी रहा था एकदम अजीब सा हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ये मूवी को कंप्लीट किया है। उसके अलावा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, स्पेशली जो नाइट के सीन्स है, जितनी भी अंधेरे के सीन है को इतनी अच्छी तरह से शूट किया है कि आप लोग को कहीं से भी कन्फ्यूजन ना हो, यानी कि एकदम जैसे घुस घुस के देखना नहीं पड़ेगा भाई आखिर स्क्रीन पर चल के आ रहा है, तो कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर कट शूटिंग किया गया। और मूवी का बीजीएम बहुत अच्छा है, मतलब वो एक गूज़बम्प वाली फीलिंग, और वो जो रॉन्ग टर्न मूवीज़ को देखते वक्त जो आपके अंदर एक चीज़ आती है ना यार, वो डर, वो चीज़ें आप महसूस कर सकते हो इस मूवी के दौरान। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, यानी कि मैं किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि साला ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा था। मूवी की नेगेटिविटी की बात करें तो यस, अगर जो लोग रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज के बहुत बड़े फैन हैं तो उनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग नज़र आएगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यार अब टाइम आ चुका था कि उनको इस फ्रेंचाइज में कुछ यूनिक और कुछ नया करना है, जो कि उन लोगों ने यहाँ पर किया है। अब देखना है कि ये कितने ऑडियंस को अच्छा लगता है, कितने ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मैं एंगेज इसलिए था कि यार मैं सोचा था कि एंड में क्या होगा, और सीरियसली इसका जो एंडिंग है ना वो बहुत ही यूनिक है यार। मतलब जिस जगह पे ये एंड हुआ है मुझे लगा था कि चलो अब हमें पार्ट टू देखने को मिलेगा, लेकिन फिर कुछ चेंज हो गया। मतलब ऐप स्पॉइल तो नहीं करना चाहता, लेकिन टेरिफिकल इसकी एंडिंग मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यार ये प्रीवियस रॉन्ग टर्न मूवीज़ जैसी नहीं है, जहाँ पर आपको भर भर के वॉयलेंस और भर भर के न्यूडिटी के सीन्स देखने को मिलते थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक दो किसिंग सीन्स है, और कुछ जगह पर ऐसा है कि बस अभी सीन होने वाला है लेकिन उसको बताया नहीं है। और अगर वॉयलेंस की बात करें तो वो है जिससे होना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं है कि फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये आप अपनी फैमिली के साथ मत देखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 7.5 out of 10। ये मूवी आपको इस साइट पे देखने को मिल जाएगी, देखो नाम आ रहा है, इस पर जाइए आप डाउनलोड करो, इसको देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।